शांति। मैं कृष्णा छेलावड़ा, आप सबका स्वागत है और नवी भोजन प्रथा के प्रणेता श्री बीवी चौहान साहब को मेरा सत सत प्रणाम। तो आज हम बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पे हमने ये पत्ता गोभी ली है और ये एक लेमन लिया है, यहाँ पे कुछ धनिया लिया हुआ है, यहाँ पे एक हरी मिर्च और ये जीरा लिया हुआ है एक चम्मच जितना है, ये यहाँ पे आधा चम्मच जितना सेंधा नमक है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है और ये तिल लिया हुआ है। तो यहाँ पे सारी हमारे जो सामग्री है वो तैयार है। तो अब हम चटनी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पत्ता गोभी ली है। दुख को दूर भगाना सीखे, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना। यहाँ पे हमने ये पत्ता गोभी को अच्छी तरह से कट कर लिया है। हरी मिर्च ली है, उसके भी छोटे टुकड़े कर लेंगे। अपना फल भी स्वयं ना खाकर जीवन उसने सफल बनाया। यहाँ पे छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी थोड़ा कट कर लेंगे हम। और यहाँ पे ये मिक्सी में इसको हम पहले हमने जीरा लिया है वो डालेंगे, यहाँ पे तिल डालेंगे, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, अदरक यहाँ पे ली है वो डालेंगे हम, यहाँ पे हरी मिर्च ली है जिसके हमने कट करके रखी है, थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे हम। और यहाँ पे हमने ये जो पत्ता गोभी है उसको कट करके रखा है वो डाल देंगे, एक नींबू लिया है इसका रस भी हम डाल देंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्सी जाल में इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार है, ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई है। तो अब हम बाउल में निकाल लेंगे इसको। यह दुखदाई दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है। तो यहाँ पे हमारी ये केबेज की चटनी बनके तैयार है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और ऐसा नहीं है कि हमें 2-3 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख देना है, फ्रेश ही बनाकर हमें खानी है। तो ये हरी चटनी जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो मिलते हैं हम अपने रेसिपी के अगले वीडियो में, और तब तक के लिए शुक्रिया, आभार, प्रणाम।